केक कटलक नु आ हाथ से उठौलक नु हमरा बड़ा घिन लागत रहे हमरा लागत आ वो उजरे उजर केक रहे उ हमरा अच्छा ना लागल आ हमार पौन भाई वो देखो बेरा हंसत नहीं के कि जैसे केक काट के ऐसे ले गई होगी ना तो पवन सिंह वगैरह याद आ गई यार तेरे आ टाइम हुआ हुए बजता जन ओकर वीडियो वे लोग देख रहे बजे के बाद विजेंद्र भाई अपना नहीं पकड़े होंगे उसी हाथ से अपना भी खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं विजेंद्र भाई अपना भी पकड़े होंगे है ना तो उस हाथ से अपने खाना खाते हैं कि नहीं और विजेंद्र भाई को पर्सनल में नहीं कहना चाहता था लेकिन सनी लियोनी का क्या है कौन एक्ट्रेस है जो है कि किसी भी तरह का काम नहीं करती होगी ये सब करते करते इनके माथा का बाल झड़ गया आप देखिएगा फोटो यही सब करते करते बाल झड़ गया तो जो बचा खुचा है उस बाल को बचाइए और अच्छा काम करके चर्चा में लोग जानते हैं कि सनी लियोन पोर्न स्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी कलाकार है जो वही कमवा की है लेकिन पब्लिश नहीं है सामने नहीं है तो पोर्न स्टार नहीं है वो सुपर स्टार है उसको लोग नहीं कहेंगे जब ना फिल्म में रहे वो फिल्म सही में रिलीज ना हो रहा है उतना मनहूस हो गए बड़े मेरी कि फिल्म में अल कि फिल्म एकदम फाइनल रिलीज ना हुई एगो कलू के फिल्म में रहे वो फिल्म ना टीवी पर रिलीज भइल आ ना सिनेमा हॉल में तो क्या बोलिएगा ये सब विजेंद्र सिंह जो हैं अपना चर्चा में आने के लिए करते रहते हैं आप पक्का ही जिस फिल्म में रहते हैं वो फिल्म नहीं रिलीज होता है। कुछ लोग नमस्कार मैं ब्रजेश कुमार और आप बिहार उजाला देख रहे हैं और आज हमारे साथ फिर एक बार भोजपुरी के पत्रकार और अपना वुड के किशन जी आज हमारे साथ हैं। अभी हाल फिलहाल में पवन सिंह का गाना आया था उस गाने को लेकर सनी लियोनी के साथ जिस प्रकार से उनका जन्मदिन मनाया गया बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध में हमारे बीआईबी विजेंद्र सिंह भी पीछे नहीं है ये भी जम के विरोध कर रहे हैं ये भी कह रहे हैं कि सनी लियोनी का पवन सिंह को उस तरह से केक खिलाना अच्छा नहीं लग रहा है उनको और अजीबोगरीब अपना अपने हिसाब से वो मतलब बता रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम है मेरे तरफ से अभिनंदन है। पवन सिंह जी भोजपुरी में सनी लियोनी को लेके आए बड़ा बजट था बेहतर गाना था लोग खूब ज़्यादा पसंद किए कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि सनी लियोनी के हाथ से केक खाना पवन सिंह को शोभा नहीं देता है वो सनी लियोनी वो उस हाथों से पता नहीं मतलब अब हमको बोलने में भी शर्म लग रहा है ना बोलिए ना कोई दिक्कत नहीं अभी विजेंद्र सिंह मतलब पूरी तरह से उसको बता रहे हैं कि उस हाथों से पता नहीं सनी लियोनी क्या क्या मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या कहिएगा आप। अब देखिए पर्सनल कमेंट्स तो मैं नहीं करता हूं किसी को लेकिन विजेंद्र जी अच्छे कलाकार हैं नो डाउट लंबे समय से भोजपुरी में है इसमें भी कोई संदेह नहीं है लेकिन उनका एक चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है भाई जो है विजेंद्र भाई सीनियर हैं और उनको अपने सीनियरिटी का ख्याल रखना चाहिए किसी भी मामले में कूद के पड़ जाते हैं बेवजह। एक चीज़ बताइए वो पवन सिंह और खेसारी से भी उम्र में भी सीनियर हैं वो दिनेश लाल यादव से भी सीनियर होंगे एज में क्योंकि दिनेश जी जो हैं उनको भैया बोलते हैं विजेंद्र भाई हम लोग भी इज्जत करते हैं उनका लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों में घुस करके उन्होंने हाथ से क्या पकड़ा ये पकड़ा विजेंद्र भाई अपना नहीं पकड़े होंगे उसी हाथ से अपना भी खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं विजेंद्र भाई अपना भी पकड़े होंगे है ना तो उस हाथ से अपने खाना खाते हैं कि नहीं और विजेंद्र भाई को पर्सनल में नहीं कहना चाहता था लेकिन सनी लियोनी का क्या है कौन एक्ट्रेस है जो है कि किसी भी तरह का काम नहीं करती होगी सबका अपना पर्सनल लाइफ है सनी लियोन क्या करती थी हमने विरोध नहीं किया था मेरा ये इंटरव्यू भी कई जगह वायरल चला 2 मिलियन 4 मिलियन लोगों ने देखा पब्लिक का प्यार है लोगों ने कहा कि भाई सच बोल रहे हो कमेंट बॉक्स में भी आप देखे होंगे मैंने जो बोला सच बोला। सनी लियोन को पवन सिंह अगर लेकर आए हैं भोजपुरी में ठीक है उनका क्या प्रोफेशन रहा है लोग जानते हैं कि सनी लियोन पोर्न स्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी कलाकार है जो वही कमवा की है लेकिन पब्लिश नहीं है
सामने नहीं है तो पोर्न स्टार नहीं है, वो सुपर स्टार है, उसको लोग नहीं कहेंगे। ये तमाम चीजें हैं। बीआईबी विजेंदर जी सीनियर आदमी है, सीनियरिटी का ख्याल रखें और वही सब चीजें वो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं तो उनका घर परिवार भी देखता होगा। अरे थोड़ा संयम से रहना चाहिए, सीनियर आदमी है, छोटा छोटा लड़का सबसे उलझ जाते हैं, अब राजन सिंह मुकुट से उलझ जाते हैं, वो उधर से कुछ कह देता है, इधर से ही कुछ कहते हैं, क्या मतलब है बिना मतलब का बच्चा सबसे उलझने का। हम लोग भी उनके सामने बच्चे ना हैं, राजन सिंह छोटा भाई है अपना, तो उम्र में भी राजन हमसे छोटा होगा, तो हम तो छोटा भाई मानते हैं, हमसे बराबर बातचीत भी होता है। तो राजन सिंह मुकुट के बारे में कुछ भी ये वो, तो वो लड़का कुछ ट्रोल कर दिया, कॉमेडियन थे फिल्म इंडस्ट्री में, कॉमेडी का तो एक टाइम था जब ये और आनंद मोहन जी करते थे, लेकिन अब क्या कारण है कि अब उनका उतना चलता नहीं है। अच्छा, ये लगातार अभी जो भी भोजपुरी कलाकार है इन सभी का विरोध करे, खेसारी लाल का भी विरोध किए जब उनका गाना जब बैन हुआ था उस टाइम भी, कौन सिंह के पीछे अधिकारी का हम सुने थे, अधिकारी वाला जो बातचीत है पवन सिंह के पर्सनल लाइफ के बारे में उनकी पत्नी को लेकर के, कि पवन सिंह के साथ रहने वाले लोग इनके रिश्ते को खराब कर दिया, ऐसा वैसा थे। आपको कौन बोला है, किसने कहा है कि आप पवन सिंह के पर्सनल चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ये हो जाइए, आपको कौन बोला है कि आप पवन सिंह के घर बसाने चल दीजिए, पवन सिंह अनाथ है, पवन सिंह के घर में लोग नहीं है, उनकी माँ नहीं है, उनके भाई नहीं है, परिवार में कोई है कि नहीं है, यही सबसे बड़ा गार्जियन हुए, पत्नी के साथ कैसा हूँ फोटो डाल देना है, कुछ भी डाल देना है, क्या नौटंकी है। अरे अपना लाज शर्म लिहाज जो है कि अपना बचा के रखिए, आपका घर परिवार है आप अपने हिसाब से रखिए, दूसरे अच्छा, का है और उसको तो और जो रेड कलर का केक था उसको कह रहे हैं कि सनी लियोनी के अपने हाथ से केक खिलाती है, वो भी उस केक को जो एकदम सफ़ेद है बिल्कुल, मतलब अजीब व गरीब अपना सफल सूरत बना के बोल रहे हैं वीडियो में, कहाँ तक सही है। अब देखिए ये सही और गलत तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चर्चा में आने के लिए विजेंदर भाई बेचैन रहते हैं, मैं भाई ही बोल रहा हूँ, बेचैन रहते हैं कि कुछ को के हमारा लाइम लाइट में रहे के बा, इनका कोई फिल्म आजकल देखे हैं सिनेमा हॉल में लगा हो, टीवी पर आ रहा हो, ये खाली शूटिंग करे ले इनका फिल्म रिलीज ना होगा, आई जो फिल्म में रहे वो फिल्म सही में रिलीज ना होगा, ये उतना मनहूस हो गए बड़े मेरी, ये फिल्म में अल है फिल्म एकदम फाइनल रिलीज ना हो, एगो कल्लू के फिल्म में रहले, वो फिल्म ना टीवी पर रिलीज भइल आना सिनेमा हॉल में, तो क्या बोलिएगा। ये सब विजेंदर सिंह जो हैं अपना चर्चा में आने के लिए करते रहते हैं, आप पक्का ही जिस फिल्म में रहते हैं वो फिल्म नहीं रिलीज होता है। कुछ लोग कह रहा है कि सब जितना सोशल मीडिया पर सब पवन सिंह को अब जीने नहीं देगा, एक सनी लियोनी को लेकर के आ गए, हर कोई आज पवन सिंह को ट्रोल कर रहा है, अभी मगैया जवान पे भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि लोग विरोध कर रहे हैं पवन सिंह का, सनी लियोनी मगैया जवान विरोध करके पवन सिंह कथी उखाड़ लेगा, पवन सिंह क्या कर लेगा, पवन सिंह उतना बर्दाश्ती आदमी है जितना दूसरे से बर्दाश्त नहीं होगा, पवन सिंह की जगह तो कोई दूसरा रहता तो सही में वो इंडस्ट्री छोड़ दिया होता, अब इंडस्ट्री का एक प्रेशर है कि कोई फिल्म नहीं चली वो भी प्रेशर है, कोई गाना नहीं चला वो प्रेशर है, इतना बड़ा स्टार होके मिलियन व्यूज नहीं आया तब भी प्रेशर है, घर परिवार का प्रेशर है, पत्नी से केस लड़ रहे हैं वो प्रेशर है, टीम में किसी को कोई दिक्कत हो गया वो प्रेशर है, प्रोग्राम में जाना है वो प्रेशर है, गाड़ी घोड़ा जो चल रहा है उसमें जो फ्यूल लगना है उसका खर्चा, उसका सारा चीज़ आने जाने का जो ट्रेवल है, लोगों को जो साथ में रहते हैं उनका खाना पीना से लेकर बॉडीगार्ड से लेकर सब कुछ, पॉलिटिकल लोगों से भी मिलना जुलना है, फिल्मी लोगों से मिलना है, कहाँ पेमेंट बाकी है क्या है, उस जगह पे जब रहिएगा ना तो फट के फ्लावर हो जाएगा, ठीक है ना। पवन सिंह बनना आसान नहीं है, मगैया जवान के कोई औकात है, तो पवन सिंह को बोल के अपने चर्चा में आना चाहता है। अंत में जाते जाते हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहिएगा बीआईबी विजेंदर सिंह के बारे में, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर भोजपुरी कलाकारों को लेके टिप्पणियां करते रहते हैं। बीआईबी विजेंदर जी को मैं कहूंगा कि कुछ अपना करके नाम कमाइए, आप पुराने कलाकार हैं और कई दशक बीत गया आपका कुछ भी हिट नहीं हुआ। कुछ दिन पहले एक गोपालगंज के कलाकार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका गाना कॉपी करके गा दिए थे, एक के गो दिल मंगवाइया हजार बार, पहले वो गाए उनका मिलियन मिलियन चला और उसके बाद ई गाए और उसमें जो वीडियो एल्बम बनाए एकदम जोकर की तरह, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये सब इनके पास रह गया है, बेहतर है कि अपना कुछ करें, कुछ नया करें, पुराने कलाकार हैं कुछ नया करके दिखाइए, माना जाएगा आप कलाकार हैं, नहीं तो यही माना जाएगा कि लोगों का नाम लेकर के आप
बीच में कूद के ऊपर ऊपर से मलाई चाटने के चक्कर में है, चर्चा में आने का जो आपको लोभ है, इसी यही सब करते करते इनके माथा का बाल झड़ गया। आप देखिएगा फोटो, यही सब करते करते बाल झड़ गया। तो जो बचा खुचा है उस बाल को बचाइए और अच्छा काम करके चर्चा में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती अपना समय दिया। बाकी विजेंद्र अभी अभी विजेंद्र सिंह जो लगातार पवन सिंह के और सनी लियोनी के आ जाने का खबर जो है कहीं ना कहीं अजीबो गरीब तरह से बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और खूब ज़्यादा ये विरोध भी कर रहे हैं। बाकी अभी विजेंद्र सिंह पहले के कॉमेडियन थे और कॉमेडियन से ही जाने जाते थे, लेकिन आजकल जो है कहीं ना कहीं भोजपुरी कलाकारों के पीछे हाथ जोड़ धो के पड़े हुए हैं और लगातार इन्हीं लोगों पर वीडियो बना रहे हैं। बाकी आप लोग भी अभी विजेंद्र सिंह को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमारे किशन भैया के लिए भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये जो भोजपुरी के लिए सोचते हैं या करते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ध्यान। नमस्कार।